भारत की सबसे खूबसूरत महिला आईएएस और आईपीएस, नंबर एक टीना डाबी। आईएएस टीना डाबी कितनी पॉपुलर है ये बात किसी से छुपी नहीं है। टीना डाबी अक्सर सोशल मीडिया पर चर्चा में रहती है, कई बार अपने काम की वजह से चर्चा में रहती है तो कई बार पर्सनल मैटर को लेकर भी सुर्खियों में रहती है। पहली बार आईएएस टीना डाबी तब चर्चा में आई थी जब इन्होंने यूपीएससी की परीक्षा में फीमेल कैटेगरी में टॉप किया था। फिर इसके बाद आईएएस अतहर आमिर से लव स्टोरी और शादी को लेकर सुर्खियों में थी। हालांकि इनकी यह शादी ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाई और दोनों ने आपसी सलाह से तलाक ले लिया। फिर कुछ समय बाद टीना डाबी ने आईएएस प्रदीप से दूसरी शादी की। वर्तमान में आईएएस टीना डाबी की पोस्टिंग राजस्थान की जैसलमेर जिले में है। नंबर दो सृष्टि देशमुख। आईएएस सृष्टि देशमुख बेहद खूबसूरत है। हालांकि सोशल मीडिया पर उनकी कम ही फोटो देखने को मिलती है, लेकिन इनकी फैन फॉलोइंग बहुत तगड़ी है। अकेले इंस्टाग्राम पर इनके 4 मिलियन से ज्यादा फॉलोवर है। नंबर तीन रिया डाबी। आईएएस रिया डाबी टीना डाबी की छोटी बहन है। टीना डाबी के यूपीएससी क्लियर करने के बाद रिया ने भी अपनी बड़ी बहन के नक्शे एकदम पर चलते हुए यूपीएससी की परीक्षा पास की और आईएएस बनी। रिया डाबी की खूबसूरती के लोग कायल है। रिया डाबी भी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती है और फैंस के साथ फोटो और वीडियो शेयर करती रहती है। नंबर चार स्मिता सभरवाल। स्मिता सभरवाल भी सबसे खूबसूरत आईएएस में से एक है। सोशल मीडिया पर इनकी अच्छी खासी फैन फॉलोविंग है। कोई भी फोटो इनके सोशल मीडिया पर डालते ही फैंस जमकर शेयर करते हैं। सोशल मीडिया पर ये काफी एक्टिव रहती है और अक्सर ऑफिशियल और पर्सनल टूर के फोटो शेयर करती रहती है। नंबर पांच अंकिता शर्मा आईपीएस। अंकिता शर्मा भी खूबसूरती के मामले में किसी से कम नहीं है। इनके दबंग तेवर की वजह से इन्हें लेडी सिंघम के नाम से भी जाना जाता है। इनके काम करने के अंदाज और हौसले को हर कोई सलाम करता है। इन्होंने यूपीएससी की परीक्षा तीसरे प्रयास में पास किया था और आईएएस बनी थी। इंस्टाग्राम पर इनके 5 लाख से ज्यादा फॉलोवर है। नंबर छह मेरिन जोसेफ। केरल की सबसे कम उम्र की आईपीएस अधिकारी है। मेरिन ने 25 वर्ष की उम्र में सिविल सर्विसेज की परीक्षा की थी। साल 2012 में अपने पहले ही प्रयास में उन्होंने सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास की थी। दिल्ली में जन्मी मेरिन ने दिल्ली पढ़ाई पूरी की है। इनके पिता कृषि मंत्रालय में प्रमुख सलाहकार और मां एक अर्थशास्त्र शिक्षक है। इनको G20 शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने के लिए चुना गया था। 2015 में जोसेफ ने कोट्टायम के मनोचिकित्सक क्रिस इब्राहिम से शादी की थी। नंबर सात रिजू बाफना। छत्तीसगढ़ में जन्मी रिजू ने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स पूरा किया और किरोड़ी कॉलेज से स्नातक किया। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की और 77वें स्थान पर रही और 2014 में आईएएस अधिकारी बनी। आईएएस अधिकारी बनने से पहले उन्होंने कैम्ब्रिज इकोनॉमिक पॉलिसी एसोसिएट्स के साथ काम किया। रिजू छत्तीसगढ़ से ताल्लुक रखती हैं। पिछले साल उन्होंने अवि प्रसाद से शादी की जो एक आईएएस अधिकारी भी हैं। दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।